नहीं बन पाता। मेरा बताने का तरीका यही है कि अगर आप बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाओगे तो वो इतना परफेक्ट और फाइन नहीं बनेगा जितना आप बॉक्स के बाहर से बॉक्स बनाओगे। ये जैसे डिज़ाइन, अब एक तरह का ये डिज़ाइन हो गया, मांडला डिज़ाइन हो गया। अगर आप हथेली के बीच में इसको सेंटर करके साइड में डॉट डॉट करके बनाएंगे तो ये एक तरह का डिज़ाइन हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ से जैसे अब लाइंस हमने सीख ली हैं, तो जो हम मैंने वहाँ पे आपको ऊपर सीढ़ियों वाली लाइन सिखाई थी वो हम अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब ये वाला डिज़ाइन आप ऊपर भी बना सकते हैं, इसके दाएं तरफ भी बनाइए, बाएं तरफ भी बनाइए, नीचे भी बनाइए, तो एक तरह का ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है, आपको कुछ सीखना नहीं पड़ा है, इतना सिर्फ लाइन्स के ज़रिए आपने इतना सुंदर डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से आप जैसे आपने इधर बनाया है तो इसको बाई तरफ बना लीजिए, ऊपर नीचे बना लीजिए, एक तरह का मांडला डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन निकालना, आप सोचिए बेहतर डिज़ाइन आप निकाल सकते हैं, मुझसे भी अच्छे डिज़ाइन आप बना सकते हैं, इतना मैं कहती हूँ। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं और थोड़ा अपना दिमाग चलाएंगे तो, अब जैसे ये क्रॉस हमने बनाया है, वहाँ पे हमने टेढ़ी लाइन बनाना सीखा था, और इस तरह हमने लाइंस से ही आज हम पूरा डिज़ाइन सीखेंगे, किस तरह के हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से नहीं। अब जैसे अगर लाइंस आपकी एकदम इक्वल नहीं आ रही तो आप इस तरह डॉट डॉट करके उनको मिलाकर, जैसे हम स्कूल्स में सीखते थे, उस तरह से एक तरह का बराबर क्रॉस मार्क बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम अब वी शेप सीख लेंगे कि हमें किस तरह वी शेप क्रिएट करना है। तो इस तरह हम धीरे धीरे बना लेंगे। एक्यूरेट लाइन आए वन टाइम में मैं आपको नहीं कह सकती हूँ, बट आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, कितनी नहीं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप मेहंदी सीख लेंगे, किसी और के लिए नहीं सही तो खुद के लिए तो ज़रूर सीख ही लेंगे, और ज़रूर सीखना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी हॉबी है और बहुत अच्छा प्रोफेशनल वर्क भी बन जाता है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से भी इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। एक लाइन को यहाँ छोड़ा, वहाँ से फिर मिला दिया, इस तरह भी बना सकते हैं, या एक ही लाइन को दोबारा वहाँ तक लेके जाना चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। ये वी शेप है जो कंप्लीट हो गया है। ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको केयरफुली अगर बहुत ध्यान से बनाया जाए तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे एक तरह के डिज़ाइन मांडला के बनते जाएंगे कि आपको मांडला मेहंदी बॉक्स वाली लाइंस वाली ऑटोमेटिक अपने आप आने लग जाएगी। बस आपकी लाइंस में फिनिशिंग होनी चाहिए, मेहंदी से फिनिशिंग देखती है। ऐसी मेहंदी लगाइए कि समझ में आए कि हम क्या लगा रहे हैं, बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकानी है, और खिचड़ी मुझे अच्छी भी नहीं लगती है मेहंदी में खा।